talking about another interesting topic that is cultural and demographic issues in research this is one of a very important topic in research in psychology social and behavioral researchers often study those who differ in some substantial way from themselves such as we can talk that difference in age race religion sex physical or mental status sexual orientation सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेटस एंड एनी नंबर ऑफ कल्चरल वेरिएबल्स सो हमेशा से रिसर्च का इंटरेस्ट उन लोगों में रहा है जो नॉर्म्स से हटकर होते हैं जो जनरल पब्लिक से कुछ डिफरेंट नज़र आ रहे होते हैं अदर इट कुड बी रिलेटेड टू एनी ऑफ दीज डेमोग्राफिक वेरिएबल्स जैसे अक्सर मैंने स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी को देखा है कि वो ट्रांसजेंडर्स में रिसर्च करने में बहुत इंटरेस्टेड होते हैं विच इज़ वेरी गुड बिकॉज द पॉपुलेशन विच इज़ डिफरेंट दैन तो नॉर्मल पॉपुलेशन जो आपको ज़्यादा अपनी रूटीन में लाइफ में नज़र आती है हमें उनके प्रॉब्लम्स को उनके इश्यूज को जरूर स्टडी करना चाहिए इसी तरह कुछ ऐसी रेयर डिजीजेज़ जो साइकोलॉजिकल होती हैं या फिजिकल होती हैं उनके साइकोलॉजिकल और सोशल इम्पैक्ट जो हैं वो स्टडी करना भी बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मीनिंगफुल हो सकता है रिसर्च इज बिंग अन अवेयर ऑफ द स्टडी ग्रुप्स करेक्टरस्टिक्स एंड कस्टम्स और हैविंग बायसेस और स्टीरियोटिपिकल एटीट्यूड्स आर मोर लाइकली टू कंडक्ट

आपको फॉर्म ऑफ बैगर नजर आ रहे हैं दे ऑल आर नॉट बैगर्स तो आप कैसे डाटा रीच करोगे देन आई यूज़ टू टेल दैम कि उनकी कम्युनिटीज हैं यू हैव टू गो देर दे आर दर्टन नंबर ऑफ कम्युनिटीज इन इवन लाहौर सिटीज़ एंड इन ऑल ओवर पंजाब और उनके गुरुज़ होते हैं उनके पास आपको जाके परमिशन लेनी होगी आपको वहाँ बैठ के डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा सो so दैट वो आपको ऑड वन फील करके अपने प्रॉब्लम्स अपने इशूज़ आपके साथ कभी वो शेयर नहीं करेंगे सो so, उस ग्रुप में जिस ग्रुप की आपने डायनामिक्स को स्टडी करना है उसमें जाके बैठना उनके साथ एक कंफर्ट जोन डेवलप करना उनके साथ एक रेपो इस्टाब्लिश करना और फिर उनसे डाटा कलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है राधर दैन के आप एक सरफेस लेवल की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं और आप किसी से पाँच रु से चलते चलते चार सवाल पूछते हैं और आप अपना रिसर्च का क्वेश्चन जो है वो फिल कर लेते हैं और आप कहते हैं कि ये रिसर्च हो गई लेकिन रिसर्च का प्रोटोकॉल ये नहीं है यू हैव टू बी द पार्ट ऑफ दैट कम्यूनिटी फॉर अ अल जब आप वहाँ से कोई डाटा कलेक्ट करें आपने मार्गिट मीट का नाम सुना होगा जो एक बहुत ही मशहूर सोशल साइंसिस की रिसर्चर थी और इन्होंने एक बहुत फार फ्लंग ट्राइबल एरिया में बच्चों की चाइल्ड रीडिंग प्रैक्टिस को स्टडी करना था शी देयर शी लिप देयर इवन शी मैरिड देयर एंड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम शी स्टेट देयर होल लाइफ और वहाँ पर रहकर उसने उस ट्राइब की सारी प्रैक्टिस को स्टडी किया विच इज़ सच अ वैल्यूएबल रिसर्च इनपुट फील्ड ऑफ सोशल साइकोलॉजी जिसकी वजह से वो ऐसी प्रैक्टिस जो थी वो रिसर्च वर्ल्ड में सामने आई जो शायद कभी भी नहीं आ सकती थी सो समाइम्स रिसर्चर्स गो टू दैट एक्सटेंड बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट एवरी रिसर्चर है लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च एंडर्चर है इंटरेस्ट द होल लाइफ बट जो बेसिक हमारे प्रोटोकॉल्स हैं जो एक रिसर्च डिजाइन को बनाने के लिए जरूरी है उसको एटलीस्ट अचीव करने के लिए थोड़ा सा अपने सेल्फ को इन्वेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है दी स्टडीज में लीड टू रिजल्ट डेट आर नॉट ओनली इनकोरेक्ट एंड मिसलीडिंग जो सुपरफिशियल रिसर्चेज होती हैं जनरली मिसलीडिंग हो सकती हैं बट ऑल्सो कॉज सोशल हार्म टू द पॉपुलेशन एंड द स्टडी क्योंकि अगर आपने उस पॉपुलेशन के डायनामिक्स पर ही नहीं समझा और उस पर रिसर्च करके उसको पब्लिश कर दिया तो प्रॉबेबली उनको फायदे के बजाय ज्यादा नुकसान होगा वेन कंपेयरिंग वन ग्रुप टू अनादर एज इन मोस्ट क्रॉस कल्चरल रिसर्च दैट द डाटा आर इक्वलेंट इज नॉट ऑलवेज वैलिड सो द यूज ऑफ़ एनी माईर सच एज द पर्सनैलिटी टेस्ट और द इंटरव्यूज कैजुअल मे बी सिस्टमेटिकली बाय इन क्रॉस कल्चरल रिसर्च दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि एक रिसर्च का वो टूल जो एक कल्चर में हम इस्तेमाल करें चाहे वो पर्सनैलिटी असैसमेंट है या वो इंटेलिजेंस की टेस्टिंग है या वो किसी भी और तरह की हम वेरिएबल को स्टडी करें वो किसी दूसरे कल्चर में एक्ूरेटली अप्रोप्रिएट नहीं होगा दिस इज़ द वेरी मच रीज़न कि आज कल हम बहुत सारे जो uh, हमारे साइकोलॉजिकल टेस्ट हैं उनको कल्चरली लोडेड समझते हैं उनको हम समझते हैं कि ये यूज़ नहीं हो सकते हमारे कल्चर में एंड वी टेंड टू गिव इनकेजमेंट टू डिवेलपमेंट ऑफ लोकल क्वेश्चनियर एंड टूल्स एंड इंडिजिनस टेस्ट डिस्पाइट द न्यूमरस एथिकल इशूज मल्टी कल्चर रिसर्च इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वी कैन अंडरमाइंड कि जो मल्टी कल्चरल रिसर्च है वो हमें नहीं करनी बिकॉज उसकी अपनी एक सिग्निफिकेंस है स्पेशली वेन इट कम्स टू अंडरस्टैंडिंग मेंटल हेल्थ नीड ऑफ़ द रेशियल एंड एथनिक माइनॉरिटी ग्रुप्स एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विसज टू दैम हर कंट्री में कुछ एथनिक और माइनॉरिटी ग्रुप्स होते हैं पाकिस्तान में भी हैं दूसरे कंट्रीज में भी हैं कहीं शायद और कंट्रीज में पाकिस्तानी एक एथनिक ग्रुप हो सकते हैं एक माइनॉरिटी ग्रुप हो सकते हैं इसी तरह हमारे कंट्री में कुछ और लोग हैं जो एथनिक और माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं तो उनके प्रॉब्लम्स को समझने के लिए मल्टी कल्चरल रिसर्च करना बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सपेरिमेंटल मेथडोलॉजी टेस्ट एंड असेसमेंट में सिंपली बी इन अप्रोप्रिएट फॉर सम ग्रुप और कल्चर्स प्रोड्यूसिंग रिसर्च दैट आर मिसलीडिंग अब अगर हम एक एक्जाम्पल की बात करें इन अ स्टडी टू एक्सप्लोर डिफरेंसिस इन डिलीवेंट बिहेवियर बिटवीन यूरो अमेरिकन एंड ब्लैक अमेरिकन टीन एज बॉय इन पुअर अर्बन नेबरहुड्स यूजिंग अरेस्ट रिकॉर्ड एज मेयर ऑफ डिलीवेंसी यानी एक रिसर्च कंडक्ट की गई कि कितने ज्यादा अमेरिकन और कितने ज्यादा जो ब्लैक्स हैं उनके अरेस्ट कितने हुए हैं जिनके नतीजे में उनकी जो है वो लिक्वेंसी रेट को फिक्स किया जा सके उसी नेबरहुड के अंदर कुछ लोकल एक्टिविस्ट ने ये देखा कि जो उनके अरेस्ट के पार्टनस हैं वो बायस हैं यानी वो ज़्यादातर कालों को तो पकड़ लेते हैं लेकिन जो नेटिव गोरे हैं उनको नहीं पकड़ते तो वो जो रेकर्ड है वो जहरी बात है कि वो करेक्ट नहीं होगा और वो इनकरेक्ट रेकर्ड जो है वो इन आ, इन रिटर्न ये लीड करेगा कि जो ब्लैक्स हैं उनमें लिक्वेंसी का रेट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वाइट तो इस तरह की जो माइनॉरिटी ग्रुप्स के साथ रेशियल डिफ्रेंसेस हैं वो हमारी रिसर्च को भी इम्पैक्ट करते हैं बायस करते हैं और उसके बाद वो ओवरऑल एक जो है वो मिसलीडिंग पिक्चर्स देते हैं देन द रिजल्ट ऑफ अबव मैं स्टडी विल अपीयर टू बी सपोर्ट द हाइपोथिस दैट विद इन सिमिलर टाइप ऑफ नेबरहुड यंग ब्लैक अमेरिकन हैव सिग्निफिकेंटली हायर लिक्वेंसी रेट दैन वाइट अमेरिकन यानी जब रिसर्च पब्लिश होगी तो वो सिंपल ये स्टेटमेंट दे देगी अनलेस रिसर्चर अंडरस्टैंड द वे ऑफ लाइफ एंड पुलिस प्रोफाइलिंग इन दैट कम्युनिटी ही और शी विल मिस द फ्लॉ इन दिस डिजाइन जब तक अब एक पब्लिश रिसर्च को कोई बंदा डिग नहीं करेगा उसकी रिसर्च डिजाइन में से इन फ्लॉज को नहीं निकालेगा उसके लिए ये स्टेटमेंट करेक्ट रहेगी कि व्हाइट और ब्लैक्स में से ब्लैक्स जो हैं उनमें डिलिक्वेंसी का रेट ज्यादा है तो बाय गिविंग दिस एग्जाम्पल आई जस्ट वॉन्ट टू सपोर्ट द आइडिया डेट वेन एवर रच इज बी पब्लिश्ड उसके पूरे डिज़ाइन पे, उसकी इम्प्लीमेंटेशन पे फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सो so दैट हम हिस्ट्री में जो रिसर्च प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट जो है वो स्पेसिफिक एथनिक और माइनॉरिटी की जो हमारे पास बैकग्राउंड से लोग आ रहे हैं उन पर नेगेटिव ना पड़े